हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पिरामिड इन्वेस्टमेंट इन द गुजरात गैस इन योर पोर्टफोलियो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू एंड अगर आप सोच रहे हो कि इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ यू हैव टू इन्वेस्ट देन आल्सो यू नो इट इज अ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो फॉर यू फ्रेंड एंड आज हम डीप डाइव रिसर्च करने वाले हैं गुजरात गैस के अंदर और जब ऐसा बोलते हैं कि जो जिसका स्टार्टिंग अच्छा होता है उसका एंड भी अच्छा होता है और इफ यू सी द फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ जनवरी 2024 मतलब कि साल का पहले दिन के ही गुजरात गैस के अंदर हमें छह परसेंट से जंप इन गैप अप हमें देखने को मिला था शेयर प्राइस के अंदर जिसका क्लोजिंग ऑलमोस्ट फोर पॉइंट एट परसेंट के साथ हुआ है सो ऑलमोस्ट फाइव परसेंट के अराउंड क्लोजिंग मिला है गुजरात गैस के अंदर एंड क्वेश्चन इज दू नो पैसा इस साल में इसमें डबल हो सकता है मतलब कि यहाँ से शेयर प्राइस एक अच्छा रिटर्न दे सकता है हमें कि नहीं अगर हमें गुजरात गैस के अंदर इन्वेस्ट करना है तो दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पज एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो सो फ्रेंड गुजरात गैस को एनालिसिस करना बहुत इजी है शायद आप उसके कस्टमर भी हो सकते हो क्योंकि ये एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो घर पे इंडस्ट्री और कॉमर्शियल यूज के लिए नेचुरल गैस पाइप थ्रू सप्लाई करता है अपने घर पे जो खाना बनता है वो पाइपलाइन गैस थ्रू आता है तो गुजरात गैस इज अ वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया हैज द ब्रॉड मार्केट साइज ये एंड जो कॉमर्शियल्स एंड व्हीकल्स मतलब कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए जो स्टेशन uh, होते गैस स्टेशन वहां पे भी ये सप्लाई करता है गुजरात गैस यस फ्रेंड सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड शायद आपने उसके गैस स्टेशन भी देखेगा और आपके घर पे इसका गैस भी आता होगा आई एम पर्सनली यू नो कस्टमर ऑफ द गुजरात गैस मेरे घर पे भी गैस गुजरात गैस का ही आता है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक द बिजनेस एंड अगर आप उसकी मार्केट कैप देखते हो तो थर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड करोड़ उसकी मार्केट कैप मतलब कि इसको मिड कैप साइज मार्केट कैप आप बोल सकते हो यस फ्रेंड एंड दे हैव द एम्प्लॉय मोर देन थाउजेंड एम्प्लॉय दे हैव एंड इफ़ यू सी द क्लोज होल्डिंग इज ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव परसेंटेज शेयर इज क्लोजली होल्ड बाय द ऑनर एंड म्यूचुअल फंड एंड ट्वेंटी फाइव परसेंटेज आर द फ्री फ्लॉट यस फ्रेंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये बिजनेस जो है वो बिजनेस एक रिपीटेबल काइंड ऑफ बिजनेस रिकरिंग काइंड ऑफ बिजनेस इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है बिकॉज अगर आप उसके कस्टमर बनते हो तो नॉर्मली गैस यस फ्रेंड बिकॉज आप ऑफकोर्स उसका खाना बनाओगे गैस से और आपको एक रिकरिंग रेवेन्यू उनको जनरेट करके देना पड़ेगा और एक चीज और भी है कि इसके अंदर स्टिकीनेस ऑफ का कस्टमर भी है क्योंकि आप जब भी एक बार आपके घर पे इसकी गैस पाइपलाइन जब लग जाती है उसके बाद आप इजीली स्विच नहीं कर सकते यस फ्रेंड दूसरे कंपटीटर के साथ स्विच नहीं कर सकते जबकि गुजरात गैस में वन यू इंस्टॉल द पाइपलाइन बाय गुजरात गैस देन यू नेवर स्विच यस फ्रेंड अगर एटलीस्ट यू हैव टू यू नो स्विच अगर थोड़ा लंबा टाइम तक आपको तो होल्ड उसको करना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स अ यू नो प्लान बाय होल सोसाइटी यस फ्रेंड एंड सेम uh, टाइम पे अगर आप देखते हो कि uh, जो नए नए घर बन रहे हैं इंडिया के अंदर मतलब कि रियल एस्टेट का जितना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू तो रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू तो वहां पे सबसे ज्यादा गैस पाइपलाइन लगने वाली है एवरी सिंगल हाउस हैज द गैस पाइपलाइन लाइन फ्रेंड आजकल सिलेंडर वाला जो गैस का जो कंजशन था एवरीडे रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है जबकि पाइपलाइन वाला जो गैस है नेचुरल पाइप वाला जो गैस है उसका ग्रोथ भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है सो आई लाइक द बिजनेस दैट्स वाई कि इसके अंदर स्टिकीनेस ऑफ द कस्टमर है रिकरिंग रेवेन्यू है और सामने ह्यूज डोमेस्टिक रेसिडेंशियल डिमांड है इसलिए बिकॉज ऑफ द रियल एस्टेट ग्रोथ इन इंडिया सो Uh, you know, और उसके अगर आप देखते हो तो डायरेक्टली उनके जो परफॉर्मेंस उनके जो रिजल्ट को मिल रहा है एवरी सिंगल ईयर द रेवेन्यू इज नो ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इफ यू सी द रेवेन्यू एंड अर्निंग्स आर ग्रोइंग कंसिस्टेंटली इन लास्ट फाइव इतना टू थाउजेंड सिक्सटीन के अंदर पांच हजार करोड़ का उसका रेवेन्यू था बाद में सिक्स थाउजेंड वन का सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड करोड़ देन सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड करोड़ देन टेन थाउजेंड करोड़ देन अगेन इट्स अ लिटल बिट ड्यू टू कोविड यू नो ड्यू टू यू नो ये जो कॉमर्शियल uh, जो कॉमर्शियल स्टेशन थे उसके अंदर हमें uh, उसके रेवेन्यू के अंदर गिरावट आई थी उसकी वजह से दिस इज द एक्सेप्शनल ईयर एंड देन आफ्टर अगेन इट्स अ जम्पिंग टू दू नो रेवेन्यू यस फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो सोलह हजार करोड़ देन uh, अभी पंद्रह हजार करोड़ के अराउंड उसका रेवेन्यू uh, इस साल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है हायर कॉस्ट ड्यू टू द इनफ्लेशन प्रेशर यस फ्रेंड सो यहाँ पे आप देखते हो तो uh, अभी शेयर के अंदर अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज अगर आप देखते हो तो उसका ऑल टाइम हाई जो बना था बैक इन uh, uh, बैक इन यहाँ पे अगर आप देखते हो चार्ट के अंदर तो अगस्त के, 20, के अंदर इसका फोर yes, मतलब हंड्रेड पे आया इन करंटली ट्रेडिंग एट द फोर एटी फोर प्राइस सो ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट का गिरावट ऑल टाइम हाई से हमें देखने को मिल रहा है और रेवेन्यू एंड अर्निंग्स में अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है एवरी सिंगल यू नो इनिंग्स आर ग्रोइंग करंटली इज शोइंग यू नो पंद्रह सौ करोड़ का अर्निंग्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है एंड अगर आपकी इसकी बैलेंस शीट देखते हो तो बैलेंस शीट इज वेरी इंटरेस्टिंग यू you नो know? uh, इसका जो करंट रेशियो अगर मैं आपको शेयर करूँ तो ऑलमोस्ट करंट रेशियो इज अ पॉइंट सिक्सटी सिक्स करंट uh, you know, कम है वंस ज्यादा होना चाहिए बट डेप्ट इज ऑलमोस्ट नो दिसके पास लाइबिलिटी थोड़ा ज्यादा है करंट एसेट से बट देर इज जीरो अगर आप uh, अगर आप उसकी रिटर्न ऑन एक्विटी देखते हो सो एटीन परसेंट रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज एक्ट अगर मोर देन ट्वेल्व परसेंट आर होता है और आर ओ आई सी इज ऑल्सो एटीन परसेंटेज सो आर ओ इन बोथ आर मोर देन ट्वेल्व परसेंटेज विच इज अ वेरी गुड पैरामीटर आई थिंक सो यस फ्रेंड्स अभी की डेट में अगर प्राइस टू सेल्स रेशियो आप देखते हो तो दो से ये ट्रेड कर रहा है यस फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप देखते हो तो जब भी यू नो एक दो वन पॉइंट एट एंड टू एंड जो पास्ट में जो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में बढ़ा था देट इज नियरली फोर सो ऑफकोर्स अगर ये प्राइस टू सेल्स रेशियो फोर होता है देन अवर मनी विल इजीली डबल बट फॉर दैट वी नीड टू यू नो सी द विच आर द पॉसिबिलिटी ऑफ द इंक्रीजिंग यू नो रेवेन्यू अर्निंग्स एंड कैश फ्लो अगर आप देखते हो तो वेरी कंसिस्टेंटली इसका कैश फ्लो भी एवरी सिंगल ईयर ग्रोथ कर रहा है सो so, यहाँ पे आप देखते हो तो फाइनेंशियली कंपनी बहुत स्टेबिलिटी के साथ ग्रो कर रही है सेम टाइम अगर इंडिया का रियल एस्टेट ग्रोथ है उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है आज की डेट पे और ये ग्रोथ कंसिस्टेंटली ऊपर जाने वाला बिकॉज सिलेंडर गैस की डिमांड एवरी सिंगल डे रिड्यूस होने वाली है और नेचुरल गैस थ्रू पाइप उसकी डिमांड बढ़ने वाली है इंडिया के अंदर उसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन द रेवेन्यू एंड अर्निंग्स पे आएगी और ये शेयर प्राइस होता है उसको ऑल टाइम हाई पे लेके ले जा सकती है यस फ्रेंड बिकॉज मैं अगर आपको दिखाऊँ कि जब भी यू नो जब भी शेयर प्राइस होता है वो कब कब क्लोज करता है व्हेन यू फाइंड द फंडामेंटली ग्रेट बिजनेस यस फ्रेंड एंड वी हैव फाइंड दिस बिजनेस एट द एग्जिट 400 प्राइस सो आई पर्सनली इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस दैट्स व्हाई दिस इज अ डिस्क्लेमर यस फ्रेंड सो आई एम द बायर्स इन दैट बिजनेस बट आई सी यू नो प्रिडिक्टेबल बिजनेस आप यू नो गुजरात गैस को एक प्रिडिक्टेबल बिजनेस बोल सकते हो बिकॉज यहाँ पे एक कॉम्पिटेटिव एज है ऑफकोर्स इसका जो कॉम्पिटिटर है दैट इज अदानी गैस जो एक प्राइवेट बड़ा गैस सप्लायर uh, है सेम टाइम इंडिया गुजरात के अंदर और एमपी के अंदर और यूपी के अंदर सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर छह स्टेट के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गैस uh, का सेम टाइम दिल्ली के अंदर इंद्रप्रस्थ एंड महा महाराजा uh, गैस जो है वो तो, दो भी इसके कंपटीशन है बट यू नो गुजरात गैस इज अ लार्जेस्ट गैस सप्लाइंग कंपनी इन द इंडिया and they collaborate with the different different government company who generate the gas and gujarat is a you know one of the you know uh, very uh, uh, ये एक स्टेट ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है और वो एक्सपोर्ट भी करता है तो गुजरात से इसका गैस एक्सपोर्टिंग भी बढ़ रहा है यस yes, फ्रेंड्स so, और ये सारे ग्रोथ पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये शेयर प्राइस डेफिनेटली एट को टच कर सकता है इन दिस ईयर और इसका स्टार्टिंग अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मैंने एक अगर मैं टेक्निकली आपको थोड़ा बता तो आपको एक्जेक्टली exactly पता चलेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू यूस फ्रेंड अगर आप चार्ट पे देखते हो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ये शेयर फेस कर रहा था जो अभी ब्रेकआउट पे हमें देखने को मिला दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग लाइन ओके वेन एवर टचिंग टू दैट लाइन द शेयर प्राइज इज ड्रॉप यस फ्रेंड इट टचिंग टू शेयर प्राइज इज ड्रॉप एंड रिसेंटली ऑन द फर्स्ट ऑफ जनवरी मतलब पहले ही दिन एक इसको ब्रेक किया है तो जिसका स्टार्टिंग अच्छा होता है उसका एंड भी अच्छा होता है वैसा you know how you know this is not definitely true but uh, you know uh, all depends on the earnings and revenue in the business but

व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ हाँ है वहां पर जाके आप हाई कर सकते हैं वी कैन गाइड यू एग्जैक्ट वे हाउ यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी इन द बेस्ट बिजनेस इज यू नो लास्ट बट नॉट लिस्ट आई वॉन्ट टू शेयर दन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज दिक्स हंड्रेड रुपीज हाउ लेट्स मीट इन टू द्ट्स प्लीज वाट्सएप अस एंड होप यू इंज दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंगट्स मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो